ميلاد برد ميلاد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آل... وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى... अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लम ने फरमाया जो मुझ पर एक दिन में पचास बार दुरूद पाक पढ़ेगा कितनी बार जो मुझ पर एक दिन में पचास बार दुरूद पाक पढ़ेगा मत के दिन मैं उससे मुसाफा करूँगा यानी हाथ मिलाऊँगा हबीबल महमद सल्हस प्यारे बच्चों और किड्स मदन के नाजीन अलहमदिल्ला एक बार फिर आपके लिए प्यारा सा प्रोग्राम आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिस प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम है मेरा प्यारा दिन जी हाँ ये प्यारे प्यारे सेगमेंट लिए अलहद एक बार फिर हाजिर है प्रोग्राम मेरा प्यारा दिन इंशाल्लाह आज भी हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में बहुत सारे सेगमेंट होंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल होगी तो आइए बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ आज का सवाल है किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए बताइए वो कौन सी रात है जिसमें मुसलमानों पर पाँच नमाजें फर्ज हुई वो कौन सी रात है जिसमें मुसलमानों पर पांच नमाजें फर्ज हुई जी बगदाद भाई मेराज की रात मेराज की रात जी हाँ बगदाद भाई ने कहा मेराज की रात और बगदाद भाई का जवाब दुरुस्त है सुभान अल्लाह ये आज का सवाल है किड्स मुदनि चैनल के नाज़िम के लिए बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ सेगमेंट है एक प्यारी हदीस मेरा प्यारा दीन बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजीन सेगमेंट है एक प्यारी हदीस कौन सा सेगमेंट है एक प्यारी और इस सेगमेंट में क्या होता है अफान भाई हदीस याद करते हैं हदीस याद करते हैं इंशाल्लाह हमेशा की तरह आज भी हम अपने सेगमेंट में एक प्यारी सी हदीस से पाक याद करेंगे और जो जल्दी याद करता है वो जहीन बच्चा, बच्चा जी हाँ जहीन बच्चा बन जाता है तो सब सब ने कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी याद करें कि इट्स मदर निशान के नाजर ने भी कोशिश करनी है आप भी घर बैठ के हमारे साथ हदीस पाक याद कर सकते हैं वो हमें सुना भी सकते हैं वो वो लिख कर अच्छे अंदाज से हमें भेज भी सकते हैं इन आज भी आपको एक प्यारी सी हदीस पाक दिखाई जाएगी तो आप उसकी पिक्चर ले लीजिएगा और फिर उसे अच्छे अंदाज से लिख कर भेजें इन हम अपने इसी सेगमेंट में वो भी शामिल करेंगे अभी इनशाला आपको हदीस पाक

वसुजूदा। वसुजूदा। ये वक्त कर लेते वसुजूद। 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 क्या हुआ अच्छा पढ़ना नहीं है रुकू नहीं बोलते रुकू बोलते है नमाज में करते हैं रुकू कैसे करते रुकू अफान भाई झुक के करते हैं ना अब बैठे बैठे कैसे बैठे बैठे करेंगे जी हाँ घुटनों पर याद रख के यू झुकते हैं तो रुकू होता है वो है ना भाई और सुजूद ये सजदे की जमा है सजदा करते हैं तो सुजूद सजदे की जमा है अतिम मुर अतिम अतिम रुकु आ रुकु आजूद व रुकुआ व सुजूद वसुजूद अतिम रुकुआ अतिम रुकुआ कौन सुनाएगा इतना अगनाद भाई जल्दी 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 अतिम रुकुआ क्या बात सुना रहे अतिम मुर मीम को रा से मिलाएंगे मीम पर पेश है ना तो मीम को रा से मिला देंगे ठीक है जी वाव को तो हम पढ़ ही नहीं रहे ना उधर मिला रहे आगे ठीक है जी आगे अली रजा भाई अतिम रुकु आ जबरदस्त जी अतिम उ अतिम मुर रुकु आर रुकु हाँ अतिम आगे रुकुआर से अतिमर रुकुआ जी अतिमर रुकुआर रुकुआ वूदूद अतिम रुकुआ वतिम रुकुआ अतिम रुकुआ वजूद अतिम रुकुआ वतिम रुकुआ अब दो, दो दफा और पढ़ाऊंगा फिर देखते हैं कौन सुनाता है यही तो पता चलेगा ना सहीन बच्चे हैं या नहीं है अतिमुर रुकूआ व सुजूद अतिमुर रुकूआ व सुजूद अतिमुर रुकूआ व सुजूद जी व सुजूद अली रजा भाई ने सबसे पहले उठाया हाथ उनसे सुनते हैं अतिमुर रुकूआ व सुजूद व सुजूद व सुजूद जबरदस्त बहुत अच्छा सुनाया पर थोड़ा सा वाव को सीन से मिलाना था तो उसके बगैर भी चल जाएगा जी अफान भाई अतीमुर रुकुआ वल सुजूद बहुत सारी गलती हो गई अतीमुर रुकुआ कुछ अतीमुर रुकुआ अतीमुर अतीमुर रुक अतीम अतीमुर रुकुआ वल सुजूद वल सुजूद वल सुजूद हो गया वल नहीं वल सुजूद कोशिश अच्छी थी जबरदस्त जी

और 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 सुजूद 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 पूरे करो पूरे करो रुकु और सुजूद पूरे करो और सुजूद पूरे करो वो लुणा 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 करो अब तर्जमा और हदीस अरबी में कौन सुना रहा है अली रजा भाई से पहले सुनते हैं ओ सजदा पूरा करो हम्म, रुकू और सजदे पूरे करो सुजूद की जगह अगर हम यूं कह लें रुको और सजदे पूरे, पूरे, पूरे करो जबरदस्त जी बगदाद भाई अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतम रुक्वा व हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा मक्की मदीनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया रुकवा सजदे पूरे करो ये ये हिलने से ज्यादा आता है हिल हिल के सुनाते हैं रुकू और सुजूद पूरे करो या रुको और सजदे पूरे करो फान भाई ने फिर हाथ उठाया सही सुनाएंगे या नंबर काटे आपके नहीं थोड़ा सा आपको तो रियायत देते हैं हम तो छोटे हैं आप जी अतिम वो रुको जबरदस्त हम्म बेहतरीन तर्जमा रुको और सजदे पूरे करो हम्म जी अतिमुर रुकूआ जी जोर से दोबारा से अतिमुर रुकूआ व सुजूद अतिमू यातिममू अतिमुर रुकूआ व और सजदे पूरे करो आ रुकू और सजदे पूरे करो पूरे करो, करो।, करो। सुजूद पूरे करने सजदे पूरे करने सजदे सजदे और कोई कहे नहीं जो सुजूद ही पूरे करने फिर दोनों सही नहीं है सही नहीं है सही है ना सुजूद जो है वो अरबी स्टाइल में जमा है और सजदे उर्दू और स्टाइल में जमा है तो दोनों का मफहूम तो एक ही निकला ना और आपके मुंह पे अटक रहा था सुजूद तो बगदाद भाई फिर हमने क्या किया माइक का कुछ करना है ख़राब है, है माइक सही करा ले उसको सही है वो वैसा ना आपके कुछ करने से ख़राब हो जाए ठीक है जी तो रुकू और सजदे पूरे करो, पूरे करो तो रुकू और सजदे कैसे पूरे करेंगे अभी जहीन बच्चे का फैसला क्या होगा वैसे अभी जब तक आप सोचे चले यहाँ पूछ लेते सवाल जवाब में ले लेते ठीक है जी यहाँ तो वैसे अली रजा भाई ने भी अच्छा सुनाया बगदाद अच्छा और अफान भाई और हमारे नबील नबील भाई, नभील भाई, भाई ने. ने भी अच्छी कोशिश की है तो आप जो है ना जो ज्यादा जा, अच्छे जवाब देगा उससे जो है ना हम जहीन बच्चे का फैसला करिएगा ठीक है आप जी भाई बगदाद भाई रुको और सुजूद कैसे पूरे करने हैं ऐसे पूरे करें कैसे पूरे जमीन पे लगनी चाहिए किसकी हड्डी लगनी चाहिए नाक नाक की हड्डी नाक में कहा हड्डी ये वाली कौन सी वाली ये ये नाक की हड्डी है ये तो मैं दबा रहा हूँ गोश्त लग रहा है तो है? किधर? ये वाली हड्डी और? और क्या लगना चाहिए और जो है आ, और, और, और... आवाज नहीं, नहीं आ रही हाथ लग रहे तो आवाज नहीं आ रही हाथ लगने अच्छा हाथ लग गए ठीक है जी और क्या करें और में ऐसे जाने कि पहले पेशानी लगे माइक तो आ, फ्रेज़े फ्रेज़े में ऐसे जाने कि पेशानी पहले पेशानी लगे और फिर नाक की हड्डी लगे पहले पेशानी लगेगी या पहले नाक लगेगी फिर पहले मैं इधर देख ले पेशानी नहीं लगेगी नाक लगेगी जब जा रहे हैं तो पहले घुटने जाएंगे ना फिर जो है उसके बाद क्या हाथ जाएंगे फिर उसके बाद जो है वो नाक क्यूट जाएगी और फिर आखिर में माथा लगेगा ना जी और आगे चलें अली रजा भाई क्या बता रहे हैं आप सबसे पहले घुट सबसे पहले घुटने गुट, लगेंगे अच्छा ये तो मैंने बता दिया आप बताएं सजदे पूरे बताया गया ना रुको और सुजूद पूरे करो तो उसमें क्या क्या ख्याल रखना चाहिए पूरे करने में एक बड़ी मेन गलती होती है वैसे तो कई बातें बगदाद भाई ने भी बताई हैं फान भाई क्या कर रहे होते हैं बच्चे कैसे जाते हैं सजने में और क्या करते हैं नाक की हड्डी नहीं लगती नाक की हड्डी नहीं लगती या कुछ भी नहीं लगता बच्चों का यूं जाते हैं यूं ढूँढ ढूँढ ढूँ अभी बंदा सोच रहा होगा मैंने सजदा करना है वो पता चल रहा है दो रखते हो गई पूरी ए <laughs> हो रहा होता है ऐसे और जी देख लें फिर ये बगदाद भाई जवाब दे रहे हैं काफ़ी सारे अब ये फिर आगे जीत जाएंगे क्या होता है बच्चे क्या कर रहे होते हैं या बड़े भी क्या कर रहे होते हैं कुछ सजदा कैसे हो रहा होता है जी भाई को आया जोश अब आया बच्चे नहीं करते बच्चे सजदा नहीं करते फिर क्या करते हैं ऐसे जाते। जी जोर जोर से जोर से खड़े डायरेक्ट रुकू से जाके सीधे खड़े हो जाते हैं। सजदे में कौन जाए जी अली रजा भाई कुछ नहीं आ रहा जहन में बगदाद भाई ही आ रहा है जी बच्चे सजदे में ऐसे जाते हम्म और बात बच्चे रुको भी ऐसे करते हैं कि हाथ पूरे नीचे तक नहीं जाते बस इधर तक कर लेते हैं और पूरा नीचे तक नहीं जू जी माइक अगर चाहे इनका बड़ा मसाइल है तो हमारे जो है बगदाद भाई ने क्या बताया कि वो यूं थोड़ा सा हाथ रख के ऐसे जरा से हो जाते हैं और पूरे हाथ नहीं रखते हुए राहत कहाँ होनी चाहिए रुकू में घुटनों में पाओ में नहीं अफान भाई कहाँ पाँव कैसे पकड़ रहे हैं आप पाऊँ पकड़ेंगे क्या घुटने पकड़ते हैं ना और उसमें क्या करना है? चाहिए पीठ बिल्कुल हमारी सीधी होनी चाहिए यह बड़ों के लिए भी है बच्चों के लिए भी है पीठ सीधी हो और इतमान से जो है वो करेंगे नहीं कि अभी जरा से झुके अभी को पूरे झुके भी नहीं फिर सीधे खड़े हो गए और ऐसे बिजली की रफ्तार से जो है आपने नमाज पढ़नी शुरू कर दी तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है इसी तरह जब सजदे में जाएं तो जैसे उन्होंने बताया कि ये ये जो नाक की हड्डी है ये भी लगनी चाहिए और माथा भी ज़मीन पर जमना चाहिए इसी तरीके से हाथ सही हो फिर पाँव बाँस जो है वो सर नीचे रखा होता है पाँव ही ऊपर होते हैं ऐसा हो रहा होता है तो पाँव ऊपर होगा सर नीचे चला गया तो ऐसे नहीं करना पाँव की भी उंगलियाँ जो है पूरी अच्छे से जमनी चाहिए ठीक है जो ये उंगलियों का पेट होता है पेट देखा है उंगलियों का कहाँ है पेट कहाँ है ये ये उंगलियों का पेट है भाई यानी जो पाँव की उंगलियाँ हैं ना अब ये जैसे उंगली है तो उसका ये नीचे का हिस्सा ये उसका पेट है तो ये अच्छी तरीके से हमें पाँचों उंगलियों का दबा के जो है ज़मीन पे लगाना चाहिए ये यूँ करके जो है लग जाएगा ठीक है कैसे भाई हाथ हमारे तो दिख नहीं रहे स्क्रीन में अब दिखा दें हाँ ये अफान भाई के सही दिख रहे हैं तो ऐसे कैसे होने चाहिए ये पाँव की उंगलियाँ ऐसे होनी चाहिए ठीक है जी थी? और जो है वो कौन कौन सी ना नाक की हड्डी भी लगनी चाहिए और अली रजा भाई कौन सी माथे की भी ठीक है नाक की भी और माथे की भी और जमीन की सख्ती महसूस हो और लेकिन ये नहीं कि आप एकदम छील दें मुँह ये भी नहीं होते हैं वो इतना करते हैं कि वो छिल जाता है तो छीलना भी मुंह को नहीं है और बिल्कुल भी टच करके जल्दी से भागना भी नहीं है इसी तरीके से इतमान से सजदा करना है ठीक है आराम से जो उसकी तस्बी है सुबह वो पढ़नी है तीन दफ़ा पढ़ें से ज्यादा मरतबा पढ़ें पाँच मरतबा पढ़ें सात मरतबा पढ़ें तो इतमान से हमने ये काम करने हैं तो हदीसे पा क्या है सजदे करो जी सफील्ला कोई फैसला हो गया जहीन बच्चे का और जवाब तो भी माशाल्लाह अच्छे देते हैं तो ये कैसे देते हैं बगदार भाई शायद पूछ ही लेते आपसे जब हम सवाल करते तो अक्सर बगदाद भाई जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कैसे कहाँ से सीखते हैं ये मैंने अपने घर से ही सीखी है घर से सीखते हैं अबू से सीखते हैं अपनी फैमिली से फैमिली से सीखते हैं मदनी चैनल भी देखते होंगे मेरा ख्याल है मदनी मुजाकर देखते हैं देखते हैं तो देख लें छोटे से हमारे बगदाद भाई हैं लेकिन काफ़ी सारी अब जैसे ये नाक की हड्डी वाली बात है ये तो शायद बड़ों को भी बात को नहीं पता होगी वो सजदा करने में सिर्फ माथा लगाते नाक नहीं जमा रहे होते हालांकि ये नाक की हड्डी लगाना भी ज़रूरी है तो माशाल्लाह भी इतने से हैं तो इतनी सारी बातें पता है अब तो और बड़े हो जाएंगे तो और इन बातें पता हो जाएंगी मुफ्ती बनेंगे इन ठीक है जी बनेंगे इन फिर बगदाद भाई मुफ़्ती साहब होंगे हम आ रहे होंगे इनके पास

ये, वालाना। ये क्या है वालाना इलाका होगा चले भाई और तस्वीर भी बनाई है इन्होंने माशाल्लाह तो बहुत अच्छा अंदाज है जबरदस्त अल्लाह पाक बरकत पाकबरकता फरमाए जी नेक्स्ट मेरा प्यारा दीन एक प्यारी हदीस जब बारिश हो तो ये दुआ पड़े अल्ला सन नाफिया अल्लाह इसे नफा देने वाली बारिश कर दे माशाला छतरी भी बना दिए है और बारिश भी आ रही है अभी सर्दियों की बारिश आएगी तो उसमें नाना है बारिश में नाना है उसके बाद फिर यूँ कर रहे होंगे बुखार लग जाएगा जी तो सर्दियों की बारिश से थोड़ा हाँ क्योंकि बहुत ज़ोर से ठंड लगेगी जी नेक्स्ट एक प्यीस कल रसोल सल्हस अजदीसी किताबुल्लि सबसे सच्ची बात अल्लाह की किताब है माशा और ये हैं जैनब बतारिया गुजरा वाला सी माशा और भी कुछ लिखा है उन्होंने साइड में सफी भाई दिख रहा है आपको जी आप लिखा है मेरा प्यारे दीन की, की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक, मुबारक, मुबारक हो जी खैर मुबारक क्या किस बात की है पता आपको एपिसोड भाई को पता है कितनी एपिसोड्स हो 400. 400 हो गई गई हमारी हैं आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जो बच्चे हमारा साथ देते हैं पाक उन्हें सलामती अता फरमाए बरकते अता फ़रमाए कॉल्स करते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं ठीक है जी नेक्स्ट क्या लिखा भाई खैरकम तम कुरान शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए ये हैं हमारी समरा बिनते हक नवाज़ और किस जगह से शायद कामरा टक का इलाका खोरा खेल से माशाल्लाह बहुत अच्छी डिजाइनिंग है ब्यूटीफुल बहुत अच्छा अंदाज है माशाल्लाह जी नेक्स्ट मन तरक्का सलाता फ़लादीन अला जिसने नमाज ज़ाया कर दी नमाज छोड़ दी उसका दी। कोई दीन नहीं जे न गुजरा वाला से और जहर असर मग़रब षा अस, फजर से शुरू किया जी फजर जहर असर मग़रब बलून बना के उसमें बड़े अच्छे अंदाज से इन्होंने नमाजों के नाम भी लिखे हैं और ऊपर क्या है ऊपर कालासूल लिखा है मुबारक सल्ला इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो महब्बत करेगा और ये कौन है भाई मियाँ वाली मियाँ वाली है भाई मियाँ वाली से मिया इन्होंने भी बहुत अच्छे अंदाज से लिखकर कर भेजा इन्होंने बगदाद भाई कौन सी जगह थी ये मियाँ वाली मियाँ वाली थी पक्की बात है चलें जी आप पिक्चर ऑफ द डे दे देखते हैं इंशाल्लाह जी तो ये हमारी समराबाजी थी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने और बरकत देता फरमाए इसी अंदाज से आपने हदीस पाक लिख भेजते रहना है। और जो लिखते हैं उसको फिर संभाल कर रखना है, रखना है। जी तो ये लिखते बड़े अच्छे हैं लेकिन उसके बाद फिर संभालना भी उतने ही अच्छे अंदाज से है ना ठीक है जी चले आप चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और उससे पहले भाई सवाल दिया हुआ है आपने आज जी। क्या सवाल दिया है वो कौन सी रात है जिसमें मुसलमानों पर पांच नमा वो कौन सी नमाज है जिस रात में मुसलमानों पर पांच नमाजें पाँच नमाज ये सवाल दिया था देखते हैं कॉल्स कौन कौन सी आई हुई है लेकिन अभी और भी आ सकती है आप जमा करें जल्दी जल्दी जब तक चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जी कलाम सुनाने के लिए मौजूद हैं मिसवान भाई कौन सा कलाम सुना रहे हो तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन, मन कुजा हम्म किस किस को आता है कलाम ये किसी को नहीं आता सिर्फ सफी भाई को आता है तो फिर कैसे पढ़ेंगे मिल के आपको भी आता है इतना तो आता होगा ना बोलना तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इसका मतलब होता है आका आप कहा और मैं कहा मतलब आप बहुत बुलंदोबाला है और मैं बहुत ही नीचे हूं बहुत ही पस्त हूं तो अब समझ में आगे तू कुझा, मन, मन कुझा। कुझा। ये कौन सी जबान है फारसी ठीक है अब ये आपने मिल के इतना तो पढ़ना है ठीक है बाकी इंशाल्लाह मिसवान भाई पढ़ेंगे और तू कुजा मन कुझा, हम मिलकर पढ़ेंगे जी तू कुझा, मन जा

है अगर महशर खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती मेरी खुशकिस्मती थी मैं तेरा उम्मती हमेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती थी जजा हा होगा मेरी पुष्प किस्म किस तो जा गुजा तू गुजा मन गुजा सुहा सुखान अल्लाह पा घने भाई को और फरमाए बार बार हबीब की हाजरी अता फरमाए जी इसी के साथ चलेंगे हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो के है हमारे सफी भाई का सेगमेंट और सफील्ला भाई से ही पता करते हैं आज वो हमारे लिए क्या लेकर आए हैं जी सेगमेंट है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत मेरा प्यारा दी प्यारे बच्चों और किड्स मदर चैनल के नाजेन सेगमेंट है प्यारे नबी की प्यारी प्यारे और इस सेगमेंट में हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों में से एक प्यारी सी सुन्नत सुनते हैं इंशाल्लाह आज भी हम एक प्यारी सी सुन्नत सुनेंगे प्यारे बच्चों आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस प्यारी सी सुन्नत के बारे में सुनने वाले हैं वो सुन्नत है जुमा मुबारक के दिन खुशबू लगाना जुम्मा मुबारक के दिन खुशबू लगाना दिनआर मुबारक के दिन खुशबू लगाना प्यारे बच्चों खुशबू लगाना ऑलरेडी प्यारे वसल्लम तो की एक प्यारी सी सुन्नत है यानी खुशबू लगाना तो प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत है ही लेकिन जुमे के दिन खुशबू लगाना ये भी नबी पाक अलैहि वसल्लम की सुनतों में से एक सुन्नत है तो प्यारे बच्चों हमें भी जुमे के दिन रेडी होकर नबी पाक वसल्लम की इस प्यारी सी सुन्नत पर अमल करते हुए खुशबू लगानी चाहिए अल्लाह पाक हमें प्यारे आकाश वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए माशा जी सफी भाई कॉल देनी है नहीं कॉल शामिल करते हैं कॉल की हुए उन्होंने हूँ मान भाई याद रखना हमने तो आपको पोयम सुनाऊंगी झूठ है खराब झूठ है खराब हम झूठ नहीं बोलेंगे झूठ जू, है खराब हम सबका है प्यारा चैनल किड्स मदनी चैनल आवाज नहीं आई मा, मदनी चैनल माशाल्लाह यहाँ क्या हुआ यहाँ क्यों नहीं आवाज आ रही बगदाद भाई जरा जोर से नारा लगाएं फिर देखते हैं कैसी आवाज आती है जी किड्स मदनी चैनल वाह भाई वाह वा, वा। तो जवाब कौन देगा ये क्या हो रहा है दोबारा से आपने जवाब देना है गला खराब हो गया एक ही जवाब में चले अली रजा भाई नारा लगाएंगे केट्स एक मदनी एक चैनल पे सबने जवाब देना है मदनी मदनी चैनल। चैनल। माशा तो ऐसे जोश से रहे ना जरा जागते रहे नींद खुद ही भाग जाएगी ठीक है जी नेक्स्ट कॉल मूरे वाली से ना की की है, है, ना, जागो, मत है, ना सबने प्रना प्रना है। अपनी और सारी दुनिया के लोगों कोशिश करनी जी नेक्स्ट कॉल की तरफ इस चलेंगे मेरा नाम शहाद है मैं कराची से बात कर रहा हूँ सफी भाई और मेरे प्यारे प्यारे वकार बाबू मैं आज आपके सवाल का जवाब दूँगा आपके सवाल का जवाब है सत्ताईस मुस्तफ़ा सबसे मुश्ता सबसे आखिरी चंद माशा नबील भाई आप नारा लगाएंगे जोरदार नारा लगाना है आपने जी Kids मदनी चैनल हमारा चैनल मदनी मदनी जोरदार हो ना. जोर से. हमारा चैनल, वह। वह। मदनी चैनल। <laughs> क्या हो रहा है अफान भाई लगाएंगे हमारा मदनी चैनल माशाल्लाह माशा तो आइए अब चलेंगे हम हो गई कॉल्स पूरी हो गई जी।, जी तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ इस्लामिक मेरा प्यारा दी, मेरा प्यारा दी। जी इस्लामिक हिस्ट्री में सुन रहे हैं हम हजरत हजरत नबी ते अमर भी नहीं। 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 नहीं, नहीं, जन्नती ही है सारे जन्नती है बहुत मोहब्बत करते हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिस चीज़ को आप अल्लाम ने वो सूट हजरत उमर की तरफ भिजवा दिया और ये भी कहलवा दिया कि जबरील अमीन ने मुझे इसको पहनने से मना किया है तो हजरत उमर उस सूट को लिए रोते हुए हाजिर होगा यार यारसोल्ला जिस चीज को आपने ना पसंद किया उसका मैं क्या, क्या करूंगा जो आपको ना पसंद है वो तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं, नहीं, है।, नहीं है फिर हमारे प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसको तो मैंने सेल करने के लिए दिया है किसको आगे बेच दो चुनाचा वो सूट आगे बेच दिया गया था तो आज हम ये सुनते हैं कि हजरत उमर रदी अल्लाह जब इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो कोई शख्स प्यारे नबी सलाम से गलत अंदाज से बात करे ये कब उनको गवारा होगा क्या होता है कि हज़रत फारुक आजमदी अल्लाह तुन को यह गवारा होगा कि कोई हमारे प्यारे नबी सलाम से गलत अंदाज़ से बात, बात, बात करे ये तो हरगिज़ भी उनको गवारा नहीं नहीं, नहीं होगा चुनाचा एक वाक्य हम आपको बताते हैं इसी हवाले से कि एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से जो है वो हाई क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी की खजूरें खरीदी लेकिन जो है वो उधार पर किस पर उधार पर के पैसे बाद में दिए जाएंगे तो फिर क्या होता है फिर वो शख्स जो है ना हुजूर हज़ू अक्रम अलैहि वसल्लम से पैसे मांगने आ जाता है आपसे वो पैसे मांगने आ जाता है अब जब जिस वक्त वो आता है तो उस वक्त ज़ाहरी तौर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैसे मौजूद नहीं होते चुनाचा इरशाद फरमाते हैं फ़िलहाल कुछ नहीं है फिलहाल कुछ नहीं है यानी फ़िलहाल मतलब इस वक्त कुछ मौजूद नहीं है आ, अगर आप चाहें तो कुछ दिन इंतजार कर लें आप चाहें तो कुछ दिन इंतज़ार कर लें मैं आपके पैसे लौटा दूंगा मैं आपके पैसे लौटा दूंगा अब उस वक्त नहीं थे मौजूद तो आप नहीं फरमाए कि कुछ दिन इंतज़ार कर लें मैं पैसे लौटा दूंगा पैसे कहीं जा नहीं, नहीं।, नहीं रहे जब लिए हैं तो वापस किए जाएंगे जब खजूरें लिए हैं तो पेमेंट की जाएगी लेकिन जब उस शख्स ने यह सुना ना तो वो कहने लगा हाय धोखा क्या कहने लगा हाय धोखा मतलब उसने ये कहने लगा कि ये तो मेरे साथ धोखा हो गया हालांकि आप ने ये फरमाया ना कि अभी मौजूद नहीं है बाद में अदा कर दिए जाएंगे लेकिन वो आगे से कहने लगा हाय धोखा तो उस शख्स के ये अल्फाज हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तो ने सुन लिए अब आप आपको तो ये गवा रहा ही नहीं है कि सलाम के हवाले से कोई कमज़ोर बात की जाए कोई इस तरह की बात की जाए जो प्यारे अकल तो सलाम की शान के मुताबिक ना हो चुनाचा आप उसके मुँह से अल्फाज निकलने की वजह से उस पर गुस्सा होने लगे और गुस्सा होने की वजह से आपके चेहरे का रंग चेंज हो गया चेहरे का रंग चेंज हो गया हो जाता है चेहरे का रंग चेंज होता है, हो है।, हो है।, हो है। नबील भाई कैसे होता है चेहरे का रंग कैसे है हाँ क्या हो जाता है रेड रेड पड़ जाता जाता हाँ, है आ, है 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 पक्की बात गुस्सा आता ना कभी गुस्से में जो है ना जाके देखे खुद को आईने में से तो रेड हो रहा होगा तो वैसे ये तो अपने लिए तो वो गुस्सा कर भी नहीं रहते वो तो प्यारे अकली सलाम के साथ इस तरह का मामला हुआ तो वैसे यही समझाते हैं कि जब गुस्सा आए तो ये गुस्सा कौन तो करवाता है शैतान तो चेहरा भी जाकर देंगे कैसा अजीब हो रहा हो ना उस वक्त अगर आए ना कोई दिखा दे तो हंसी आ जाए ये देखो ये तो वही शक्ल है अजीब सी हो रही होती है लाल पकौड़ा तो बहरहाल आप रदी अल्लाह तन तो इस वजह से जलाल में थे कि उसने प्यारे अकल आकलाम के साथ अंदाज दुरुस्त इख्तियार नहीं किया था आप लेकिन प्यारे अकल आकल सलाम ने जब आपके इस अंदाज को देखा तो इर्शात फरमाया उमर छोड़ दो क्योंकि इस शख्स को अपने पैसे मांगने का हक हासिल है कि इसको पैसे चाहिए थे तो ये उसके ही सवाल करने के लिए आया था और हक़दार को बात करने की इजाज़त होती है अब देखिए प्यारक सलाम कैसी तरबियत कर रहे हैं कि हक़दार को बात करने की इजाज़त होती है वो अपने पैसे मांगने आया था लिहाजा इसको छोड़ दो ये ज़ूर आल सलाम का अंदाज़ है तरबियत का फिर हज़ूर अक्रम सल्ह ने कुछ साहब इक्राम के साथ एक जगह से खजूरें मंगवाईं और फिर इन खजूरों से कर्ज की अदायगी कर दी गई फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज लेने वाले के पास तशरीफ़ लाए और शख्स से पूछने लगे कि हाँ तुम्हारा कर्ज मुकम्मल अदा हो चुका है तुम्हारा कर्ज मुकम्मल अदा हो चुका है उस शख्स ने अर्ज़ की जी हुजूर आपने कर्ज़ की अदायगी कर दी है और मुझे तकलीफ से निजात दे दी है प्यारे आक सल्लल्लाहु अल्लाह ताल ने शात फरमाया बेशक अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदे वही हैं अल्लाह पाक के पसंदीदा फेवरेट बंदे वही हैं जो अपने कर्ज की अदायगी करने वाले और तकलीफ़ से आज़ादी देने वाले हैं जब कर्ज लिया है तो अदायगी भी करनी, करनी है जी तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा आप किड्स मदनी चैनल के नाम से यूट्यूब पर भी पेज मौजूद है चैनल मौजूद है वहाँ जाकर लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे प्रोग्राम वहाँ भी आप देख सकते हैं और हमें दुआ में याद रखना है सल हबीब सी मेरा प्यारा दी मेरा प्यारा दी